एक तालाब में एक चूहा और मेंढक रहते थे। ये दोनों एक दूसरे को बिल्कुल पसंद नहीं करते थे। चूहे को शिकायत थी कि मेंढक हर वक्त टर 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 करता रहता है, ना वक्त देखता है और ना ही मौसम। इसकी हर वक्त की टर टर से सर में दर्द हो जाता है। मेंढक कहता था कि ये चूहा तो चैन से नहीं बैठता, इसका तो काम बस घूमते रहना है। जब देखो सर हिलाता घूमता रहता है और पानी में हर वक्त छप छप करता रहता है। एक दिन हुआ यूं कि दोनों में लड़ाई शुरू हो गई। चूहे ने मेंढक से कहा, ए मेंढक, तुम ये तालाब छोड़कर चले जाओ, क्योंकि ये तालाब मेरा है और मुझसे पहले ये जगह मेरे बाप दादा की थी। ना ना ना, ये जगह हमारे बाप दादा की है, इसलिए तुम यहाँ से चले जाओ। इस बात पर लड़ाई शुरू हो गई। पहले तो दोनों दूर दूर से एक दूसरे को आंखें दिखाते रहते थे, और अब ये हुआ कि एक दूसरे से बदला लेने की कोशिश में लग गए। ये सब एक चील भी बड़े गौर से देख रही थी, और वो बहुत दिनों से इन दोनों का शिकार करने की कोशिश कर रही थी, मगर ये दोनों हाथ नहीं आ रहे थे। ये दोनों अपनी लड़ाई में चील को भूल गए। चील ने मुनासिब मौका देखा, तेजी से झपटी और इन दोनों को अपने पंजों में दबाकर उड़ गई। सबक: सच है कि आपस के झगड़े में दुश्मन कामयाब हो जाता है। फरमाने मुस्तफा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वाली वसल्लम, जो हक पर होते हुए झगड़ा छोड़ देगा, उसके लिए जन्नत के दरमियान में एक घर बनाया जाएगा।